जिस तरह से राज कपूर और मुकेश की आत्मा एक साथ जुड़ी हुई थी, उसी तरह से शमी कपूर साहब और मोहम्मद रफ़ी की भी आत्मा एक साथ जुड़ी हुई। मोहम्मद रफ़ी ने जो शोकी के गीत शमी जी के लिए गाए हैं, उनका कोई मुकाबला नहीं। देखिए ना, वो सब जज्बाती लोग हैं जिन्होंने शम्मी कपूर के गीतों को एक नई शक्ल देने की कोशिश की। ये उसी का एक रूप आप देख रहे हैं और आप सुन रहे हैं ध्यान से। क्या खुशी शम्मी जी के अंदाजों की, उसको आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते। बस ये तो मैं एक छोटी सी श्रद्धांजलि है उनके नाम। अब उनके गीतों को देखिए किस तरीके से ये खेल रहे हैं, क्या क्या उसमें तोड़ फोड़ कर रहे हैं, लेकिन जो वो उन्होंने गाया वो अपने आप में बेमिसाल है, बिल्कुल बेमिसाल। लाख कोशिश कर लीजिए, वो जुनून पैदा नहीं कर सकते जो शम्मी कपूर की अदायगी, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ बेमिसाल हुआ करती थी। लोग दीवाने हो जाते थे, पागल हो जाते थे। बताइए ये क्या हो रहा है, देख लो। आप भी सोच में पड़ गए होंगे, कर सकता है दुनिया में कोई मुकाबला शम्मी कपूर का या मोहम्मद रफ़ी का? कोई अब ये कुछ भी करने या हूँ आ हूँ आ हूँ कुछ भी कहे कोई मतलब नहीं कर रहा, कोई जुनून कोई जोश पैदा नहीं कर रहे थे। ये वो कर गए सो कोई ना कर सकता, तभी तो उनको कहते हैं लोग।